महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे कि हे विदुर, संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु आगे बढ़ नहीं पाते। इच्छा होती है सबके बराबर मैं भी हो जाऊं। मन में रोज सोचते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं कि आगे कैसे बढ़ूं। वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उस कारण का निवारण क्या है? कबीर साहब कहते हैं निवारण के चार उपाय हैं, और विदुर कहते हैं आगे न बढ़ पाने के कारण छह कारण और चार निवारण है। खड़ दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूति मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कबीर कहते हैं ये जितने भी आपको विकास में रोकने वाले कारण, सबका इलाज चार बातों से होगा। क्या? गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, फैमिली की समस्या, शारीरिक समस्या, सारी समस्याओं का समाधान कबीर के ज्ञान में छिपा हुआ। नंबर एक, गुरु भक्ति जिसके पास है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति हो। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि शिवरी की भक्ति की चुंबक से भगवान राम को खिंचकर आना पड़ता है। यह है भक्ति की शक्ति। राजस्थान के अनेक प्रदेशों के भक्तों की भक्ति की चुंबक में खिंच करके असंग जैसे संत को नेपाल बॉर्डर से राजस्थान आना पड़ता है। मनुष्य को यदि कोई कहीं ले जाता है तो प्रेम ही खींच कर ले जाता है, और कोई नहीं ले जाता है प्रेम। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। घर है, घर वाली है, घर वाला है, घर वाले है, लेकिन घर में प्रेम नहीं। भवन है पर भवन में रहने वालों के मन में भाव नहीं। सदन है लेकिन सदन में संस्कार नहीं, और मकान है, मकान में रहने वालों के पास में मकान में रहने का ज्ञान नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, इसलिए दुख है। एक तरफ ईंट पत्थर सीमेंट का महल खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम का भी महल खड़ा, भक्ति का महल खड़ा। भक्ति महल बहुच है दूर ही ते दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे शोभा वर्णी।
क्या फर्क है रावण का वध होने के पश्चात लंकापति मारा जा चुका है, विभीषण का राज तिलक हो चुका है, विभीषण हाथ जोड़कर खड़ा है, हे प्रभु राम अब लंका में आपके चरण पड़ने चाहिए। राम मना कर देते हैं, लेकिन शिवरी राम की पास में प्रार्थना करने भी नहीं आती है, अपनी झोपड़ी में ही ध्यान लगाती है और कभी नहीं कहती हे राम इस झोपड़ी में चरण पड़ना चाहिए, लेकिन राम के चरण झोपड़ी में जा रहे हैं। शिवरी की श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है, परंतु विभीषण की श्रद्धा कंडीशनल प्रेम है, क्योंकि विभीषण जिन समस्याओं से जूझ रहा था वो समस्याओं का समाधान राम के श्री चरणों में प्रेम पैदा करता है। और जो किसी कारण से प्रेम पैदा होता है वो प्रेम बहुत कमजोर होता है, क्योंकि कारण के मिटते ही उस प्रेम के वृक्ष की जड़ें हिल जाती हैं, जड़ें हिल जाती हैं। इसलिए हमारा प्रेम भी अकारण होना चाहिए, जिसमें कोई कारण ना हो, निष्काम प्रेम हो। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। प्रेम सहनशील होता है, प्रेम गम खा लेता है, प्रेम दुख को ही सुख समझकर पी जाता है, प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। लाखों दुख सह करके एक नारी अपने पति के प्रेम को जोड़ कर रखती है, हजारों दुख सह करके एक पति अपनी पत्नी को निभाता है, क्योंकि जहां निभाने का भाव ना हो, जहां सहनशीलता का प्रभाव ना हो, वहां प्रेम की मृत्यु हो जाती है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है। कोई चार बातें कहे चाहे हजार बातें कहे, इसकी परवाह नहीं है, प्रेम तो वह है जो लाखों गालियों को सहकर भी मुस्कराता रहता है, मुस्कराता रहता है। सहनशीलता, देश से प्रेम करने वाले नेता लाखों लोगों की गालियों को सहते हैं और फिर वोट मांगते हैं। देश की भक्ति, जिस नेता के मन में सहनशीलता कम है वो नेता राजनीति छोड़ करके अपने खेत में काम शुरू कर देता है, क्योंकि नेता को जितनी गाली मिलती है और नेता को जितना माला मिलता है, ना उतना किसी को माला मिलता है ना उतना किसी को गाली मिलती है। नेता माला पहनता है तो मुस्कराता है और गाली सुनता है तो हंसता है, और जिस दिन गाली न मिले उस दिन सोचता है कि लोग भूल गए क्या। मन शोरों ना नहीं बनावे सहनशील बनिया फिराई, मन सोहरौना नहीं बनावे सहनशील बनिया फिराई। सहनशीलता प्रेम का प्राण है, त्याग प्रेम की जान है। जहां पर लोभ प्रवेश करता है वहां पर प्रेम की मृत्यु हो जाती है, जहां पर लालच मर जाता है वहीं प्रेम का जन्म होता है। याद रखना, जहां जहां प्रेम मरा है वहां वहां लालच ने आकर के अपना विराट रूप दिखाया है। भाई भाई के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में प्रेम की मृत्यु तभी होती है जब लोभ आकर के गरजना शुरू कर दिया। इसलिए मन सोहरौना नहीं बनावे
सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशील बन जाओ। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत भैया। चार बातें, सारा समाधान छिपा हुआ। चार दिशाएं हैं मुख्य रूप से, और चार ही बातों में सारा सॉल्यूशन। नंबर एक, गुरु भक्ति करो। नंबर दो, जन सेवक बनो, दूसरों की सेवा करो। खाओ लेकिन दूसरों को खिलाओ भी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो, बसो और बसने दो।